तुला राशि वालों, मंगलवार का दिन 19 दिसंबर अत्रि पुष्कर योग भी है, सर्वाश सिद्धि योग भी है, सिद्धि योग भी है और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। बृहस्पति के शुभ संयोग में आज आप आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका होगा, बड़े महत्वाकांक्षी आप होंगे। आज आप श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ कार्य करके अपने जीवन में बड़ी तरक्की उन्नति और खुशखबरी की प्राप्ति करेंगे। आज अच्छे कार्य करके अपने जीवन में धन भी कमाएंगे, सुख संपत्ति भी हासिल करेंगे। जीवन का लक्ष्य आज पूरा होगा और आज का दिन आपके लिए लाभ और सौभाग्य का सुख देगा, क्योंकि आज त्रिपुष्कर योग सुबह 7:08 से आरंभ हो जाएगा, जो 1:06 तक रहेगा। बृहस्पति शनि का प्रभाव राहु बुध की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली दिन साबित होगा। सर्वाश सिद्धि योग और विजय मुहूर्त में भी आपके जीवन में सफलता का सुख आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आज आपकी कुंडली के लग्न में शुक्र का गोचर है। धन भाव में मंगल बैठा है, पराक्रम स्थान में सूर्य बुध की युक्ति है, पंचम भाव में शनि के साथ चंद्रमा का गोचर है, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में बृहस्पति और द्वादश में केतु का गोचर हो रहा है। बुध और सूर्य का पराक्रम भाव में गोचर करना और भाग्य स्थान पर बुध सूर्य की दृष्टि पड़ना आपके लिए शुभ है, क्योंकि बुध भाग्य का स्वामी है, सूर्य लाभ स्थान का स्वामी है, धन का स्वामी। मंगल अपने घर में बैठा है और लग्नेश शुक्र मजबूत स्थिति में आपकी कुंडली के लग्न में गोचर कर रहा है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन तरक्की, सौभाग्य और सुख को बढ़ाने वाला साबित होगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। मंगलवार का दिन 19 दिसंबर त्रिपुष्कर योग, सर्वाश सिद्धि योग, भद्रा और पंचम के साथ सिद्ध योग में पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति के शुभ संयोग के साथ दिन की शुरुआत होगी। बृहस्पति जो धन दौलत देता है, ग्रह की चाल शुभ संयोग बना रहा है। बृहस्पति का प्रभाव आपकी कुंडली में शुभ रहने से आज धन का आगमन भी होगा और आपकी जीवन में ढेर सारी खुशियां भी आएगी। आज बृहस्पति और शनि का प्रभाव आपकी कुंडली पर रहेगा, चंद्रमा की छाया होगी, राहु और बुध की दृष्टि होगी। बड़ा भाग्यशाली दिन है, बड़ा भाग्यशाली समय है, क्योंकि आज बृहस्पति आपकी कुंडली में मंगल से प्रभावित है और चंद्रमा से भी प्रभावित है। साथ ही बृहस्पति सूर्य के साथ नवम पंचम योग बना रहा है, जिसके कारण अब आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। अब आपकी जीवन में धन की समस्या खत्म हो जाएगी। अपने परिश्रम से जीवन के हर संकट पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आज का दिन आपके लिए बेहतर दिन है, ऐसे समय में भाग्य का भी साथ मिलता है, ऐसे समय में सफलता भी आप प्राप्त करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। यानी आज का दिन आपके लिए बेहतर परिणाम का योग बना रहा है। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का बृहस्पति बड़ा शुभ फल देता है। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का बृहस्पति किस्मत को चमकाता है, अधूरे कार्य को पूरा करने की ऊर्जा मिलती है, शुभ समाचार मिलता है। चंद्रमा की स्थिति आज शनि के साथ थे, भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी और देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके जीवन में लाभ
सौभाग्य का सुख मिलेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति का प्रभाव बड़ा ही शुभ हो जाता है। बृहस्पति मेहनत का फल देता है, आपके कार्य सफल हो जाते हैं। माता पिता का आशीर्वाद दे आपके लिए शुभ रहता है। समय बड़ा खुशनुमा होगा, खुशी आपकी जीवन में होगी। संतान की उन्नति देखकर आपको गर्व महसूस होगा। हर कार्य में आपको मन लगेगा, संबंध आपके अच्छे होंगे, सभी काम आपके समय पर पूरे होंगे। कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, उमंग उल्लास का माहौल आपके जीवन में होगा। महत्वपूर्ण काम भी आपके पूरे होंगे और भाग्य का सितारा भी आपका बुलंद होगा। आज का दिन महत्वाकांक्षा को पूरा करने वाला दिन है। नौकरी व्यापार में महत्वपूर्ण काम करने वाला दिन है। खुशी आपके जीवन में सुख देगा और व्यापारी के जीवन में लाभ कमाने का अच्छा योग बनेगा। स्टूडेंट के लिए आज कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। आज का दिन आपके जीवन में सुधार भी देखने को मिलेगा और नई ऊर्जा से आपके जीवन में लाभ तरक्की का अवसर भी प्राप्त होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का बृहस्पति बड़ा सुख देता है, समस्याओं को समाधान करता है, आपके जीवन में धन को बढ़ाता है और लाभ का योग बनाता है। सफलता कामयाबी खुशखबरी से आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। बड़े भाग्यशाली आप हैं, बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी और मंगल की दशा में अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति होगी। राहु आपके जीवन में उत्साह को बढ़ाएगा और शनि आपके जीवन में तरक्की का रास्ता खोलेगा। आज ये नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में दूर होगा और सुप्ता की वृद्धि भी होगी। आज त्रिपुष्कर योग सुबह 7:08 से आरंभ हो जाएगा, जो दोपहर 1:06 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग में कार्य की सफलता आपके जीवन में सुख को बढ़ाता है, इच्छा को पूरा करता है, तरक्की का अवसर और आपके जीवन में उन्नति का योग बनाता है। बड़े भाग्यशाली आप होते हैं, सौभाग्य का सुख मिलता है। अमृतकाल शाम 4:29 से 5:59 का समय। अमृतकाल के समय आपकी कुंडली में बुध केतु शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में बड़ी कामयाबी और सफलता लेकर आता है। आज सिद्ध योग में बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे और सर्वा सिद्धि योग में सपने आपके साकार होंगे। बेहतर स्थिति आपके जीवन में सुख सौभाग्य को बढ़ाता है, उम्मीद से ज्यादा लाभ देता है और किस्मत के सितारों को बुलंदी पर पहुंचाता है। किसी भी तरह का विवाद अगर आपके परिवार में चल रहा है तो वो विवाद खत्म हो जाएगा। बड़ा लाभदायक दिन है, बड़ा भाग्यशाली योग है। ऐसे योग में भाग्य का उदय होता है, धन प्राप्ति का योग बनता है और जो नवविवाहित हैं उनके जीवन में संतान की संभावना बनती है। आज धन वृद्धि के शुभ संयोग से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में तरक्की उन्नति खुशखबरी का योग भी बनेगा। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत हो रहा है। प्रथम चरण का स्वामी बुध है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र, तृतीय चरण का स्वामी राहु है और चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। आज राहु काल दोपहर 2:53 से 4:10 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आपके लिए लक्की कलर येलो होगा और लक्की नंबर 4 होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में त्रिपुष्कर योग और सर्वा सिद्धि योग, सिद्ध योग आपके जीवन में बड़े लाभ का अवसर लेकर आया है। ऐसे दिन में आप बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए सही दिशा में काम करते जाएं, किस्मत अवश्य आपकी बदलेगी, भाग्य अवश्य आपका चमकेगा। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली दिन है, जो सुख सौभाग्य समृद्धि का योग बनाएगा और आपके जीवन में लाभ तरक्की का सुख देगा। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। मंगलवार का दिन है,
हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। आत्रि पुष्कर योग में हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी की पूजा करने से आपके जीवन के कष्ट बाधा समाप्त होते हैं, तरक्की का लाभ मिलता है, सुख सौभाग्य बढ़ता है और भाग्य के सितारे बुलंद होते हैं। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।